Hello, my dear kids. Welcome back. I hope that you all are fine. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Today, we are going to learn a new chapter, and here you can see this is a book, and the name of the book is Grammar Glitchy Odyssey, and this is book 1. Today, we will learn chapter 6, which is pronouns. So, let's So, you know तो जगह पे हम यूज करते हैं सो प्रनाउंस आर दर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं नाउन को मीन्स नेमिंग वर्ड को ये रिप्लेस कर देते हैं हटा के उनकी जगह पे आ जाते हैं एन अ सेंटेंस टू अवॉइड रेपिटेशन बार बार हम उसी नेमिंग वर्ड को ना बोलें इसी लिए उनकी जगह पर हम प्रणाओं को यूज़ करते हैं एग्जाम्पल क्या है राम इज अ गुड बॉय राम एक अच्छा लड़का है अब राम को मैं बार बार लिखूँ उससे अच्छा है मैं राम की जगह पर ही लिख दूँ ही का मतलब भी राम और राम का मतलब भी राम तो सेंटेंस क्या बना ही इज माई बेस्ट फ्रेंड कोई पूछेगा ही कौन था तो कह दोगे राम तो राम के लिए ये दोनों ही सेंटेंसेस हमने यूज किए वी यूज ही इन प्लेस ऑफ राम सो ही इज अ प्रोनाउन ही को हमने राम की जगह यूज किया इसलिए ही क्या हो गया एक प्रोनाउन कहलाएगा प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस ईजी टू रीड एंड राइट प्रोनाउन क्या करते हैं सेंटेंसेस को आसान बनाते हैं किस चीज में रीड करने में या फिर लिखने में नाउ फॉर सेल्फ खुद के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं आई मतलब मै मी मा वी अस और आवो तो ये सारे वर्ड्स हम किसके लिए यूज करते हैं खुद के लिए यूज करते हैं फॉर गर्ल्स और वुमेन गर्ल्स और वुमेन के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं शी एंड फॉर बॉयज एंड मैन बॉयज और मैनस के लिए क्या यूज करते हैं हम ही पर्सन दूसरे लोगों के लिए क्या हम यूज करते हैं यू यार देर दूसरे लोगों के लिए यूज होता है एंड फॉर अदर नाउन दूसरे नाउन के लिए जिसमें कोई एनिमल हो सकता है कोई थिंग हो सकता है तो उनके लिए हम यूज करते हैं इट नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मंथ्स ऑफ द ईयर तो कौन कौन से मंथ होते हैं एक ईयर में तो पहला है जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्त सेप्टेम्बर ऑक्टोबर नोवेम्बर एंड दिसम्बर सो दीज आर द ट्वेल्थ मंथ्स ऑफ द ईयर स्पेशल नेम्स अब ये क्या होते हैं दीज ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स तो अभी हमने स्पेशल नेम्स के बारे में पढ़ा था इन्हें हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम्स ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल लेटर्स कॉमन नेम्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं नैचर लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आर चैप्टर दिस इज एक्सरसाइज ए एंड सेंटें गिविन बिलो यहाँ पे कुछ प्रनाउन दिए गए सेंटेंसेज में उन्हें हमें क्या करना है अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट वन इज ही इज प्लेइंग इन द पार्क वो पार्क में खेल रहा है तो यहाँ पे क्या है प्रोनाउन ही दे विल ईट ऑरेंजेस सो रेस शी ब्रूनो इज अ डॉग इसमें तो कोई भी प्रोनाउन नहीं है अब इट बाग लाउडली इट ब्रूनो के लिए हमने क्या यूज किया है इट दे आर गोइंग टू सी दू वो लोग तो pen. Pen कौन बेड पेपर पेन सो फेन वी आर गोइंग टू यूज इट सी गोज टू स्कूल बाय बस वो स्कूल बस से जाती है कौन शी She will invite me on her birthday. वो मुझे अपने बर्थडे पे बुलाएगी तो she is the pronoun here. Sanjay is a good boy. He is the monitor of her class. तो अगेन ही आई एम फीलिंग वेल तो अब यहाँ पे फिर से आई आई इज are the दीज आर दैट वी underlined. Now children, let's move on to B exercise. Paste your picture in the given space. So, यहां तो यहाँ पे जो जगह यहाँ पे आपको अपने picture paste करनी है सुंदर सी and write ten sentences about yourself to using pronoun instead of your name. तो so, अपने नाम की जगह पे आपको pronoun use करना है और ten sentences लिखने हैं. तो so, चलिए लिखते हैं. My name रूही अब फर्स्ट सेंटेंस में तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा ना उसके बाद जो आप सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे आई एम अ गर्ल्ड तो आपने अपने लिखा यूज किया आई आई लिव इन मेरठ और एनी अदर प्लेस यू कैन राइट आई Am six years old. I like to eat pizza. Correct, I go to school daily. Correct children. न कंप्लीट ऑल दीज सेंटें आपको अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो आप लिख सकते हैं पढ़ेंगे हम यहाँ पे सो बॉय रेफर टू मास्क जेंडर एंड गर्ल्स रेफर टू फेमन एंड जेंडर तो बॉयज को हम मास्क जेंडर या फिर मेल भी कहते हैं और गर्ल्स को हम फेमिनाइन जेंडर या फिर फीमेल भी कहते हैं सो यू कैन सी डिफरेंट एंड फेमिनाइन आर मेल एंड फीमेल जिसे हम कहते हैं ओके okay? तो कौन कौन से मास्कुल जेंडर हैं बॉय के लिए है गर्ल प्रिंस प्रिंसेस सन

And wife is feminine. So these are the male and female gender. You can see the picture here. Here few males are standing, and here some females are standing. So you, what you have to do, you have to learn all these. What is the feminine gender for these? Masculine gender, or what is the masculine gender for these? फेमना एनजेंडर सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई चेंजिंग द जेंडर ऑफ ईच ऑफ दलर्ड वर्ड तो हमें क्या करना है सेंटें को चेंज करना है चेंज करना इनका जेंडर द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल तो बॉय के लिए हम क्या लिख सकते हैं गर्ल सो वॉट विल बी देंटेंस द गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल ऐसे लिखेंगे हम कॉपी में ठीक है द गर्ल इज राइडिंग अल क्लियर नेक्स्ट इज द ड्रेक इज मेकिंग अड लाउड नॉइज तो ड्रेक का बन जाएगा डार्क तो सेंटेंस बन जाएगा द डार्क इज मेकिंग अ

द पी कोक इज डांसिंग इन द रो रेन तो पीकॉक के लिए हमने लिखा पीहैन तो सेंटेंस विल बी द पी हैन इज डांसिंग इन द रेन क्लियर चिल्ड्रेन द बुल इज एंग्री अब बुल की जगह हो जाएगा काव Is angry. So, children, these are the answers. Like this, you have to complete. So, with this, we have completed male and female, masculine, feminine gender. I hope you understood it. I will be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and take care.